हर किसी ने यही सोचा, जहां कम वहां हम, अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है और तभी तो जीत आती है। साथियों, कभी कभी मैं कह सकता हूं कि हमारा 10 साल का अनुभव है, भारत के हर क्षेत्र का और भारत के हर नागरिक का जो एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस हैं, वे और नेशनल एस्पिरेशंस, इसका एक अटूट नाता होना चाहिए। इसके बीच में हवा तक गुजर न सके, इतना जुड़ाव होना चाहिए, तब देश आगे बढ़ता है। साथियों, इस चुनाव में मैं कुछ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जो मेरी नजरिए से मैंने देखा है। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए, कर्नाटक एंड तेलंगाना, अभी अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया कर्नाटक और तेलंगाना में, दोनों जगह। साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा, और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है, और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साफ रहेंगे। और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे, और इसलिए आज तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। साथियों, पुडुचेरी हो, केरला, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं। यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में इतना जुल्म एक विचारधारा को लेकर के जीने वाले लोगों पर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूं केरल में हुआ है, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा हुआ है। उसके बावजूद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था, उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा में कभी पीछे नहीं रहे, पीढ़ियां खपा दी, और आज पहली बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन के आया। साथियों, अरुणाचल में हमने लगातार, हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है। सिक्किम में भी हमारे एनडीए की सरकार करीब करीब क्लीन स्वीप के साथ, अरुणाचल क्लीन स्वीप, आंध्र, मैं अब बाबू को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है। और ये जो यहां दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है, हिंदुस्तान के लिए एक
सामान्य मानवी की विकास की जो जिजीविषा है उसका प्रतिबिंब है। और महाप्रभु जगन्नाथ और मैंने अनुभव किया हमेशा, मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, या मैं 25 साल कह रहा हूं, आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पर की एक होगा।